दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में, व्हाइट हाउस की रहस्यमयी कहानियां। दोस्तों आज हम आपको उस घर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें रहने वाला शख्स दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स होता है। जी हाँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट को आधिकारिक तौर पर वहां के व्हाइट हाउस में रखा जाता है जिसमें पहले डोनाल्ड ट्रंप रहा करते थे और अब आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप से विजय पाने वाले जॉय बिडेन रहेंगे। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बना ये व्हाइट हाउस जितना ही खूबसूरत है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन पावर्स के साथ साथ आपको इस व्हाइट हाउस में कुछ ऐसे रहस्य भी देखने को मिलेंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। पर दोस्तों चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको व्हाइट हाउस से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाला हूँ जिन्हें सुनने के बाद आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस दुनिया भर में मशहूर है, पर अमेरिका की सबसे ऐतिहासिक जगहों में से एक गिना जाने वाला ये व्हाइट हाउस अपने अंदर तरह तरह के रहस्य समेटे हुए है। दोस्तों 1792 में व्हाइट हाउस का निर्माण किया गया था और व्हाइट हाउस का रंग सफेद होने का कारण यही माना जाता है कि इसे बनाने वाले लोग इस रंग को न्याय का प्रतीक मनाना चाहते थे। लगभग 55,000 स्क्वायर फीट में फैले इस व्हाइट हाउस में करीब 132 कमरे हैं और राष्ट्रपति के रहने की जगह के साथ साथ ये वॉशिंगटन डीसी में सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला टूरिस्ट प्लेस भी है। यहां तक कि टूरिस्ट वाले लिस्ट में व्हाइट हाउस ने 7 अजूबों में से एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी जगहों को भी पीछे छोड़ दिया है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको व्हाइट हाउस में जाते ही प्रवेश नहीं मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रवेश पाने के लिए महीनों पहले बुकिंग करवानी पड़ती है और यहां पर घूमने के लिए सिर्फ कुछ ही कमरे खोले जाते हैं, क्योंकि यहां का अधिकतर हिस्सा लोगों की नजरों से छुपाकर रखा जाता है। व्हाइट हाउस के बारे में आगे बात करें उससे पहले चलिए व्हाइट हाउस के बारे में कही जाने वाली सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कई सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर अब्राहम लिंकन की आत्मा भटकती है। अब इस बारे में हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे और ना ही हम अपने चैनल पर इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अगर हम इस कहानी से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों की बात करें तो ये चीज काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि अमेरिका की सबसे सफल राष्ट्रपतियों में से एक अब्राहम लिंकन लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस हैं और इनके साथ एक हादसा हुआ था, ऐसा हादसा जो व्हाइट हाउस में होने के बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। हुआ ये कि ये राष्ट्रपति कार्यालय में ही अब्राहम लिंकन को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अब अब्राहम लिंकन की मौत के बाद में नए राष्ट्रपति आए और लोगों को यहां वहां लिंकन की आत्मा दिखाई देने लगी। हालांकि ये बात काफी दिनों तक अफवाह के तौर पर लोगों के बीच काफी सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन शुरुआती दिनों में किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति कैल्विन कोलिडेज अपनी पत्नी के साथ व्हाइट हाउस में रहते थे, तभी अचानक एक दिन राष्ट्रपति की पत्नी ग्रेस को ऐसा महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई है। पहले तो उन्हें लगा कि कोई नौकर है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो पूरी तरह से डर गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके सामने लिंकन खड़े थे। और उसके बाद ये सिलसिला बार बार होता रहा जिसमें उन्हें कई बार ऐसा महसूस हुआ कि लिंकन उनके सामने है। दोस्तों ग्रेस का ये डर तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ नहीं दिया। हालांकि इनके बाद कई सारे लोगों ने लिंकन को व्हाइट हाउस में देखा, लेकिन ऐसा वाकई में है इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, इसलिए ये बात व्हाइट हाउस का सबसे बड़ा रहस्य बनकर ही रह गई। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन द्वारा चुनी गई जगह पर बने व्हाइट हाउस के बारे में और भी कई सारे तथ्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे, जैसा कि जिसने इतनी मेहनत से इसे बनवाया वो ही इस घर में कभी रहे ही नहीं, क्योंकि व्हाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन 1800 में पूरा हुआ, तब तक जॉर्ज ने अपने कार्यालय और जिंदगी दोनों से विदा ले लिया था। अब जॉर्ज वॉशिंगटन तो दुनिया का सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली घर बनवा कर चले गए, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि व्हाइट हाउस का निर्माण वर्कर द्वारा नहीं बल्कि दासों द्वारा बनवाया गया था जिन्हें अलग अलग देशों से लाया गया था। वैसे दोस्तों दुनिया भर में व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाने वाला इस घर को व्हाइट बनाए रखने में अमूमन 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और ये खर्चा सिर्फ बाहरी खर्चा है,
क्योंकि इसकी खूबसूरती को लोगों द्वारा काफी ज्यादा सराहा जाता है। इसी वजह से इसकी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए इतना बड़ा खर्चा किया जाता है। अब आप व्हाइट हाउस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे, वो ये कि आज का व्हाइट हाउस ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि पुराने व्हाइट हाउस को ब्रिटिश आर्मी 1814 ने जला दिया, जिसके बाद दोबारा से व्हाइट हाउस को बनाया गया। वैसे दोस्तों, राष्ट्रपति के बचाव के लिए व्हाइट हाउस में खुफिया जगह भी मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि व्हाइट हाउस के भीतर कई सारे बंकर बने हुए हैं और कई सारे ऐसे भी खुफिया रास्ते हैं जिनसे होते हुए आप व्हाइट हाउस से निकलकर कहीं दूर पहुंच सकते हैं। यहां तक कि न्यूक्लियर अटैक होने पर उससे बचने के लिए एक काफी गहराई में बंकर मौजूद है। न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए व्हाइट हाउस में कमरा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस देश ने सबसे पहले दूसरे देश पर न्यूक्लियर अटैक किया हो वो भला उस तरह के अटैक से खुद को बचाने के लिए क्यों नहीं सोचेगा, क्योंकि इस तरह का शातिर दिमाग सिर्फ शातिर लोग ही आजमा सकते हैं। और अमेरिका ये जानता है कि जिस तरह की चीजें उसने दूसरों के साथ की है उसके साथ भी घट सकती हैं, इसलिए अपने देश के लोगों को बचाने के लिए वो लोग इस तरह की कई सारी चीजें करते हैं। तो दोस्तों, अब आप दुनिया के मशहूर घर व्हाइट हाउस के बारे में सब कुछ जान गए होंगे। बाकी अभी भी आपको इस घर के बारे में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। हम आपके कमेंट से ये जानना चाहेंगे कि आपका हमारी इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है। साथ ही साथ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।